अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मईशत पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से असाइनमेंट नंबर 4 पर बात करेंगे। आज जो क्वेश्चन आपने बतौर असाइनमेंट सॉल्व करना है वो है वसाइल की हरकत पजीरी के बारे में, यानी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में। वसाइल की हरकत पजीरी क्या है? वसाइल आपको पता है कि जो भी हमारे मुल्क में जो वसाइल हैं उनको किस तरह से मोबिलाइज करना है, उसके तरीके आपने तफसील से बयान करने हैं और पाकिस्तान में उसके नताइज ज़ेरे बहस लाने। ये आपको मैंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो इन डिटेल पढ़ाई हुई है बुक के अंदर, काफ़ी डिटेल में इसका सारा टॉपिक मौजूद है उसमें। उनके साथ साथ उनके नताइज, उनके मसाइल, वो भी सारे वन बाय वन हर एक के साथ बयान किए गए हैं, तो वो आपने पूरे के पूरे इसमें इसी तरह से बयान करने ताकि 25 मार्क्स का पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नतीजे वही हैं जो के उसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव आउटकम्स हैं। ठीक है, जो उसके नतीजे में कोई जो रुकावटें अगर उसमें आई हैं या उसमें कोई अच्छाई या बेहतरी की सूरत हाल है या कोई ख़राबी की सूरत हाल आई है, वो सारी आपने उसी तरह से जो बयान करनी है तो वो पाकिस्तान में उसके नतीजे कहलाएंगे। ठीक है, तो वसाइल की हरकत पजीरी किस किस तरीके से की जा सकती है और पाकिस्तान में इसके असरात क्या हुए हैं वो भी आप नताइज को कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसमें यही मटेरियल आपने ऐड करना है। आपसे आपकी क्लास जो है वो क्योंकि 3 डेज़ रखी गई है तो फर्स्ट 3 डेज़ जो है वो मैं आपकी क्लास रखूँगी, यानी 3 दिन में आपको असाइनमेंट दूंगी। 1 वीक में मैं आपको इस्लामिक इकोनॉमिक्स की 3 असाइनमेंट्स दूंगी और 1 वीक में मैं आपको इस मेजर इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी यानी मईशत पाकिस्तान के मसाइल पर असाइनमेंट्स दूंगी। तो जो बाकी के आपके 4 दिन होंगे वीक के, वो आपको उन असाइनमेंट्स को मुकम्मल करके जमा करवाने में जो है वो टाइम मिल जाएगा। और जिस वीक में असाइनमेंट्स मिले दी जाएंगी उसी वीक में आपने कंप्लीट करके जमा करवानी है, और नेक्स्ट वीक में जो असाइनमेंट्स होंगी वो आप नेक्स्ट वीक के अंदर ही जमा करवाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने अपने जो तैयारी है उसको करना है। तो फिर जब पार्ट 2 का जो है वो हम बाद में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, अभी आपकी जब ये रिवीजन हो जाएगी। इसके अलावा ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद जो है वो किसी और तरीके से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो सजेशंस भी मुझे व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर वो फीजिबल होंगी और एप्लीकेबल होंगी तो हम उनको उस तरह से भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।